हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे मीकासीन इंजेक्शन के बारे में, इसके यूजेस, साइड इफेक्ट्स एंड प्रिकॉशंस के बारे में। इसके यूजेस क्या क्या है? ये हम यूज करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, लंग्स में इन्फेक्शन हो, बोन्स में इन्फेक्शन हो, या जॉइंट्स में इन्फेक्शन हो, ब्रेन में इन्फेक्शन हो, या ब्लड में इन्फेक्शन हो। और ये हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स को दिया जाता है ताकि वो इन्फेक्शन से बचे। इन्फेक्शन से बचने के लिए उन पेशेंट्स को भी ये दिया जाता है। इसके क्या क्या मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं? नंबर फर्स्ट, ये ब्लॉक करता है एंटीबायोटिक के एक ग्रुप से, जिन्हें हम एमिनोग्लाइकोसाइड्स कहते हैं। ये हम यूज करते हैं सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए, उससे बचने के लिए जो कि बैक्टीरिया से हुई होती है। ये कैसे वर्क करता है? ये रोकता है बैक्टीरियल प्रोटीन को, जो कि बैक्टीरियल सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बैक्टीरिया जो है वो उसी की वजह से जिंदा रहता है, तो ये उसी ग्रोथ को कम करता है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है उनकी डेथ हो जाती है, तो उसकी वजह से फिर जो इन्फेक्शन है वो खत्म हो जाती है। अब देखते हैं कि इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स है। इससे इरिटेशन होती है एप्लीकेशन साइड पे, या जहाँ पे इंजेक्शन लगाया वहाँ पे इरिटेशन हो सकती है, स्किन रैश हो सकते हैं, नौजिया हो सकता है यानी कि उल्टी जैसा फील होना, डायरिया हो सकता है और वॉमिटिंग हो सकती है यानी कि उल्टी आ सकती है इससे। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं हमें ये दवाई लेने से पहले, ये इंजेक्शन लेने से पहले जो जो भी प्रिकॉशंस हैं। अगर आप अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं तो आप ये मेडिसिन, ये जो इंजेक्शन है आप यूज़ ना करें, क्योंकि आपको और भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में ये मेडिसिन यूज़ ना करें। अगर आपको ये इंजेक्शन यूज़ करना ही है तो आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। ड्राइविंग में भी ये मेडिसिन यूज़ ना करें, क्योंकि इस इंजेक्शन से आपको चक्कर आ सकते हैं। अगर आपको किडनी या लीवर प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के कंसल्टेशन के बिना ये इंजेक्शन यूज़ ना करें। अगर आपको करना है तो डॉक्टर से पहले मशवरा ज़रूर करिएगा। और अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।